पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर त्रिलोकपुरी विधानसभा के त्रिलोकपुरी वेस्ट वार्ड में गौतम कनेक्ट कार्यक्रम के तहत जनता के बीच पहुंचे थे। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने अपनी समस्याओं को गौतम गंभीर के समक्ष रखा। गौतम गंभीर ने आश्वासन दिया कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाएगा। मौके पर मौजूद अलग अलग विभाग के अधिकारियों को भी गौतम गंभीर ने समस्याओं के जल्द समाधान का निर्देश दिया। इस दौरान लोगों ने सड़क, बिजली, पानी, सीवर, पार्क के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक जाम की समस्याओं को गंभीर के समक्ष रखा। गंभीर ने कार्यक्रम में मौजूद संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द समस्या के समाधान का निर्देश दिया। गौतम गंभीर ने बताया कि क्षेत्र के लोगों की DDA, MCD, PWD, जल बोर्ड से जुड़ी समस्याओं को रखा है, जिसके संसाधन के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। गंभीर ने कहा कि गौतम कनेक्ट कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना, समझना और उसका समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। से लेके समस्याएं देखने को मिली है, रोड से लेके PWD की समस्याएं देखने को मिली है, MCD की समस्याएं, DDA की समस्याएं, तो कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं उनको दूर कर सकें। और कहीं ना कहीं पुलिस से लेके समस्याएं भी सुनने को मिली है। तो हमारा लक्ष्य सिर्फ यहाँ पर एक प्रोग्राम करना नहीं है, मेरा आना नहीं है यहाँ पर। जितनी हम समस्याएं दूर कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा सुविधाएं दे सके लोगों को, उतनी दे पाएँ, यही हमारा लक्ष्य है इस कार्यक्रम का। देखिए, मेरा मानना है कि अगर 100 समस्याएं आती हैं उसमें से अगर 70-75 भी दूर हो जाती है, तो कम से कम जो बाकी 20-25 रह जाती है तो एक उम्मीद तो बनती है लोगों को। मैं ये तो नहीं कह सकता आपके माध्यम से कि 100 की 100 समस्याएं दूर होती है। कई ऐसी भी समस्याएं हैं जिनको शायद बहुत लंबा वक्त लगे, लेकिन अगर उसमें से 60-70-75% भी समस्याएं दूर हो जाएँ तो एक उम्मीद बननी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसे सुनील जी हैं, हर वार्ड में कोई ना कोई कार्यकर्ता है जिनके माध्यम से ये प्रोग्राम हो रहा है, तो हम उन्हीं के वही वहाँ पर सारा फॉलोअप करते हैं। और कोई अगर चीज़ नहीं हो रही होती तो वो मेरे पास लेके आते हैं और फिर हम अपनी तरफ से इंटरवीन करके। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।